हम लोग भी देख रहे हैं 31 तक सीट शेयरिंग कैसे क्लियर कर रहे हैं। ये कभी ये पार्टी का कभी समझौता एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकता है, क्यों? आपको समझना है कि टीएमसी का एक दूसरा आइडियोलॉजी, उनका आइडियोलॉजी है चोरी करना, बाकी और भी आइडियोलॉजी है तोशामुदी करना, परिवारवाद को चलाते रहना। अभी कांग्रेस का एक ही बात है, कॉमन फैक्टर है चोरी करना, ये सारे पार्टी जो है इंडिजोट का कॉमन फैक्टर है। लेकिन आज उन लोग ये जो बोला है 31 तक ममता बनर्जी बोले है डिसाइड करने के लिए, डिसाइड करे। और अभी जो हमारे कांग्रेस का जो लोग मर गए हैं ये तृणमूल का संतरास से, अब ये जोट करके जब लड़ेंगे अधीर बाबू, वो सब फैमिली को आंसर दे पाएंगे? वो जो जितना भी जगह में कांग्रेस का हमारे कर्मी लोग जो मारे हैं, कि इन लोग का तो यही डबल स्टैंडर्डनेस है। दिल्ली में बहुत अच्छा दोस्त सोनिया गांधी का बगल में ममता बनर्जी बैठ रही है, वाराणसी में मोदी जी का बोले है ना, मोदी जी का अगेंस्ट में प्रियंका वाड्रा को खड़ा कीजिए, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं खड़ा होती है? हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री खड़ा हो। सीट शेयरिंग के पहले ममता बनर्जी, आपका अगर हिम्मत हो, प्रियंका गांधी को क्यों आप खड़े कर रहे? आप खड़ी हुई है प्रधानमंत्री जी का, आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, तो प्रधानमंत्री जी के साथ लड़ेंगे हमारे मुख्यमंत्री, देखते हैं ना कितना हिम्मत है। तो ये जो दिचारिता है ना, ये अधीर बाबू को बोलिए उनका जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है ना उसको ताला लगा दे, और कौशबा में टीएमसी का ऑफिस है उधर जाके बैठ जाए, क्योंकि उन लोग का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इंडी अलायंस का नाम भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रखेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कांग्रेस से खागड़े जी, वो भी ममता बनर्जी बोलेंगे। सीट 31 तक करना है, ममता बनर्जी बोलेंगे। तो अधीर बाबू आप सिर्फ चिल्लाएंगे कि हम तृणमूल का दुर्नीति नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो आपका ये नाटक बंगाल के लोगों को अभी तक विश्वास हो रहा था, अब और नहीं होगा। जो बुड़बक बनाए हम लोग को बुड़बक बन गए, अभी और नहीं बनना है, सबको पता चल गया है आप लोग का असलियत क्या है।